भाग्य, समय का फेर और हमारी असावधानी कई बार हमें समस्या में डाल देती है और हमें पीड़ा पहुंचाती है। फिर हम कभी अपने मित्रों से, कभी अपने आप से, कभी ईश्वर से केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं, यह प्रश्न एक चक्रव्यूह की तरह है और इससे निकलने का मार्ग भी एक प्रश्न से ही आता है। यदि ऐसी अनुभूति हो तो स्वयं से प्रश्न पूछिए कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि उस पीड़ा का अंत हो जाए। यदि मार्ग में बाधा आए तो ये प्रश्न ना करें कि ये बाधा मेरे समक्ष क्यों आई, बल्कि ये देखें कि उस बाधा से कई लोग आगे भी बढ़े हैं और आगे बढ़ने के लिए पांव से धरती को धकेलना पड़ता है। जो बीत गया उस पीड़ा का मरहम बीते हुए कल में नहीं, आने वाले भविष्य में मिलेगा। वर्तमान को अतीत के अन्याय का शोक मनाने में व्यर्थ ना करें। वर्तमान का उपयोग ये सोचने में करें कि ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में किसी दूसरे को वो पीड़ा ना सहनी पड़े। मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे।